फर्स्ट एडवेंचर। कोई फर्क नहीं चाहे दिन हो या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम गलत हो या सही, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जाए या ना जाए। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे इट डजंट मैटर वेदर, इट डजंट मैटर वेदर। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करना पड़ेगा इट डजंट मैटर वेदर, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट, इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम गलत हो या सही, इट डजंट मैटर वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, इट डजंट मैटर वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम वहां जाए या ना जाए। It doesn't matter whether you go there or not. It doesn't matter whether you go there or not. Second adventure. उसने मुझे बताया कि इंग्लिश में कैसे बातें करते हैं। टीचर ने मुझे बताया कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। So guys, जब आपके सेंटेंस में कैसे करना आता है तब आपके लिए इंग्लिश में लिखना पड़ेगा हाउ टू, हाउ टू। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है हाउ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। उसने मुझे बताया कि इंग्लिश में कैसे बातें करते हैं। ही टोल्ड मी दैट हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, ही टोल्ड मी दैट हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। टीचर ने मुझे बताया कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। टीचर टोल्ड मी हाउ टू सॉल्व इट, टीचर टोल्ड मी हाउ टू सॉल्व इट।